अभी हम लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्टडी ऑफ लाइट, अगर देखा जाए ऑप्टिक्स, इसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन और नंबर टू रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या भाई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर। रिफ्लेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर। मिरर जो आप घरों में देखते हो नॉर्मल, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। तो मिरर दो तरीके से होते हैं, जो आप घरों में देखते हो वो प्लेन मिरर होता है, लेकिन कभी आपने गाड़ी पे देखा, गाड़ी के जो रेयर मिरर होता है ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका स्फेरिकल मिरर कहलाता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर दो तरीके से होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। आपने देखा, देखो टॉर्च में, टॉर्च के अंदर जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है, जो डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो मिरर, उसको अगर हम लीनियर डायग्राम बनाएंगे तो लीनियर डायग्राम तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसको देखा जाए तो देखो तीन तरीके से ये मिरर होते हैं हमारे। तो ये होता है प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा सच में प्लेन होता है। और दूसरा ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा उठा होता है ठीक है, और ये होता है कॉनकेव मिरर, और ये थोड़ा सा क्या होता है, धसा होता है, ये अंदर की तरफ गुफा की तरह बना होता है ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होता है। प्लेन मिरर के अंदर खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो इमेज होता है ना, वो डिक्टो सेम बनता है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ठीक है हाइलाइटर है, इसको देखो जो ऑब्जेक्ट जैसा, जितना बड़ा हाइलाइटर है उतना ही बड़ा दिख रहा है, देखो जितना बड़ा हाइलाइटर है उतना ही बड़ा दिख रहा है, किधर भी कर रहा हूं मैं बस। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यही मार्कर पीछे है, तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं ठीक है। ये इमेज कौन सा, वर्चुअल इमेज। और ये खासियत क्या काम करता है, देखो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है, देखो एम्बुलेंस में वो ऐसे इन्वर्टेड, पार्शियली इन्वर्टेड लिखा होता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये मिरर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे कर देता है, देखो ऐसे है ऑब्जेक्ट के, ऐसे कर देता है, हमें दिखता है ऐसे लेकिन रियल में ये हो जाता है ऐसे ठीक है, इसको पार्शियली इन्वर्टेड कर देता है। दूसरा मिरर है हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, ये ATM में इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजह क्या है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर चीजें देखो पूरी पूरी साफ सुथरी इरेक्टेड दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है, और पूरा पूरा एक साथ में देखो ना, पूरा बाजू का जो भी चीज है पूरा पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या खासियत करता है, ये चीजों को पूरा एक साथ में कंबाइन कर देता है। मतलब किसी बिल्डिंग में अगर एक जगह यूज करेंगे तो सारा चीज दिखेगा, किधर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर इसको देखा जाए तो रेयर मिरर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा ऐसे कर दे सेट, तो पूरा बाजू आजू किधर किधर का जो भी आ रहे लोग दिखते हैं ठीक है। और ये एक इसके अंदर खासियत होती है, कभी भी रेयर मिरर में आपने ये देखा होगा, देखो ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो रियल में क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट मिरर में दिख रहा है यहाँ पे जो दिखता है वो क्लोजर दिखता है, हालांकि रहता है दूर में, तो जैसा होता है उससे ज्यादा नजदीक दिखता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इंसान पहले से ड्राइविंग से अलर्ट हो जाता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए इसका क्या भाई, बड़ा बड़ा जो बस ट्रक कितना भी, अगर कितना भी बड़ा चीज हो, मैं सोच लिया, मैंने आपको बोला बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग एक जगह दिखने लगती है कि नहीं। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जो है तीसरा हमारा कॉनकेव मिरर, ये इस्तेमाल किया जाता है, मालूम है नॉर्मली डेंटिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको इसको जो है कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देता है, और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये पूरा पूरा फैला देता है लाइट को। तो ये कन्वर्जिंग होता है ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करेगा। लेकिन इसके अंदर खासियत क्या है, आप थोड़ा सा जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऑब्जेक्ट ये है ना, ये वहां पर दिख रहा होगा लेकिन उल्टा दिख रहा होगा, देखो ना ये उल्टा दिखेगा। लेकिन अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे, ऐसे बहुत दूर चले जाएं, तो जो मिरर दिखेगा ना, जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो पॉइंट दिखेगा, थोड़ा करीब आओगे तो थोड़ा सा दिखेगा लेकिन उल्टा ही दिखेगा बार बार, थोड़ा सा जितना ये ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा छोटा दिखेगा, थोड़ा और करीब आएंगे ठीक है थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा ही दिखेगा। लेकिन और थोड़ा करीब आओगे तो इसमें भी उल्टा ही दिखेगा लेकिन इमेज बड़ा दिखेगा, लेकिन और ज़्यादा करीब आ जाओगे तो क्या होगा, इमेज अभी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, इमेज सीधा हो जाएगा और सीधा सीधा दिखने लगेगा। तो भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इमेज फॉर्मेशन, कितने तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो छह तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। हम लोग ऐसे क्या डायग्राम, रे डायग्राम बना के इसको पढ़ते हैं, ये जैसे ये तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर को जस्ट गुफा की तरह बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, अलग अलग सिचुएशन डेवलप करते हैं कि भाई अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना एग्जैक्टली उसी को हम टू डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड रे डायग्राम,
रे डायग्राम में उसको बना देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना इतना स्पीशियस मिरर को अपने साथ में रखना और उसको देखना क्या हो रहा है। तो हमें थ्योरेटिकल पढ़ाई करना पड़ता है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मिरर का चलो देखते हैं ना, इसका एक बड़ा फॉर्म, बड़ा सा मिरर, मेरे साइज इतना बड़ा मिरर देखते हैं और उसके अंदर सब कुछ बहुत डिक्टो ऑब्जर्व होगा और उसी को हम लोग फन मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि बड़ा जब ज्यादा साइज कर दोगे और उसके अंदर थोड़ा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिला दोगे तो एक फन मिरर का काम करता है। तो उसको चलो देखते हैं। तो यहां पे देखा जाए ये कॉन्वेक्स है, एक साथ में देख लेते हैं, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तो देखो कॉन्वेक्स में चीजें क्या होती है, पूरा बाहर का जितना भी पीछे का बैकग्राउंड आ जा रहा है, लेकिन ये जो कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव क्या काम कर रहा है, देखो जो थोड़ा सा अंदर से धसा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, इमेज अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या है, मैं उल्टा दिखूंगा, उसके अंदर उल्टा दिखता जाऊंगा। और मैं ये डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं कहां पे हूं, मैंने बताया था लास्ट टाइम पूरा, लेकिन यहां पे दिखेगा भाई बड़ा सा, मैं देख सकता हूं। बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा तो पॉइंट की तरह दिखूंगा, थोड़ा नजदीक आ जाऊंगा तो थोड़ा दिखूंगा, उसके बाद और बड़ा दिखूंगा, उसके बाद अगर और करीब आ जाऊंगा तो और बड़ा दिखूंगा, उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा करीब आ जाऊंगा तो क्या करेगा, देखो इसका एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, ये सबसे बड़ा है, यहां पे करीब आ जाऊंगा तो कितना बड़ा सा दिखने लगता हूं, देखो ना, क्योंकि ये क्या काम करता है, इमेज को बहुत बड़ा कर देता है। तो शेविंग मिरर के लिए, शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल होता है भाई ज्यादातर, है कि नहीं, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया, है कि नहीं। ओके,